गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी ब्रेकफास्ट के लिए बन रहे हैं मेथी परांठे। ठंडी या स्टार्ट हो गई है, सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मेथी परांठे और दही चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो कबीर उसके पापा को कुछ बोल रहा है, जो आईफोन लेना है वैसे कुछ बोल रहा है, और कुछ अपना कुछ भी उस जैस उठे ही है तो कुछ अपना डिमांड रख रहा है क्योंकि हर रोज़ का है, चाहे जब भी ऑफिस जाते कभी कुछ ना कुछ डिमांड करता ही रहता है। तो अभी भी वो उठ गया है, 7 बजे से उठ गया था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे दबाकर मेरे साथ सुला रखा था क्योंकि सोना है, इसलिए मुझे भी आज कोई उठने की जल्दी नहीं थी। 9 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, अभी तक किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। धूप अच्छी है, थोड़ी देर सम में और कबीर जैस थोड़ी देर धूप में भी बैठते हैं ताकि विटामिन डी मिल जाए हमारी बॉडी को। सो गाइज, इस तरह से मैंने मेरे घर को दिवाली के टाइम पर डेकोरेट किया था, सिंपल सा। और सोफ़ा कवर भी नया मैंने मिसो से मंगवाया है। सारी चीज़ें मेरे घर पर है, वो मैंने मिसो से ही सारी ऑनलाइन शॉपिंग किया है। और अभी कर रही हूँ मेरे पैरों के लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट। मेरे पैरों के नीचे से बहुत ज़्यादा स्किन निकल रहा है, सबको बोल रही है तो सब ऐसे बोल रहे हैं कि कमजोरी की वजह से हुआ है, जो मुझे ये सब बीमार हो गई थी इसलिए स्किन निकल रहा है और बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इसमें इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, बट मेरी जो पैरों की हालत है बहुत ख़राब हो गई है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू लिया है, थोड़ा सा कंडीशनर डाला है, इनो डाला है, तो इससे थोड़ा सा अगर स्किन अच्छा हो जाए तो बस। थोड़ा सा घर पर ही ट्रीटमेंट कर रही हूँ, अगर होगा तो वापस कर को पार्लर वाली को बुला लूंगी, सॉरी। तो अभी फिलहाल मैं अपने हाथों से ही थोड़ा सा मेरे पैरों को मसाज देती थी, और मेरे पैरों के नाखून बहुत अच्छे नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब के ठीक इतने खास नहीं है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी 4 बज रहे हैं इवनिंग के, मैं बस नहाकर मेरा जो पुराना वाला जो कपड़े मैंने निकाले थे वही बांध कर वापस मैंने ऐसे बालों पर बांध लिए, तो
तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था तो अभी जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो बस अभी बेड से लगाना बाकी है, आज बहुत सारे कपड़े वॉश कर दिए। सो अभी जो मैंने ये वाला बेड सेट लगाया था वो अभी निकाल दिया, दूसरा वाला बिछा देती हूँ। तो चलिए चाय, अच्छी अदरक वाली चाय पीते हैं। और अभी ठंडे ठंडे पानी से नहा कर, अच्छे से नहा कर आई हूँ। अभी ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है तो थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही है, पानी में भी ठंडी आ गई है अभी। और बाहर भी एकदम ठंडा मौसम हो गया है अभी। तो देखो मैंने सुबह दिखाए थे ना मेरे सारे प्लांट्स वगैरह, सब कितने अच्छे लग रहे हैं। और बाजरे रखा है, पिसवाना है आटा। और आज सुबह थोड़े से मैंने जो मेरे पौधे वगैरह थे उसे फिर से मैंने थोड़ा सा नया किया। तो चलिए कबीर सुकारन हाँ चलो अब नीचे आ भी जाओ। हाँ हाँ बनाओ छू। अरे ये ठंडी है और टी शर्ट के बगैर कभी, ओ माय गॉड, कभी मेरी स्किन ऐसे खींच रही है। देखो तो खूब मेरा टी शर्ट भीना हो गया था, भीना गीला हो गया था। अगर हिंदी में बोलना है तो ऐसे बोल, गीला हो गया था। क्या हो गया था? गीला। अच्छा गीला हो गया था। तो चलिए गाइस चाय बना लेते हैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ देखो, ये वाला काम कर रही है और मेरा वीडियो बना रहा है मेरा बेटा कबीर। तो अभी कैमरा मैन बन गया है ना कबीर। हाँ तो चलिए कबीर से भी मिल लीजिए, जो नए कपड़े बदल लिए हैं कबीर ने, कपड़े चेंज कर लिए हैं बिना नहाए। सो अभी मेरा जो पूरा बेड लग रहा है कपड़ों से भरा, वो अभी मैं सही करूँगी। जो कपड़े प्रेस करने हैं उसे भी मैंने नीचे निकाल कर रख दिए हैं, और जो कपड़े फोल्ड करने हैं वो मैंने रखे हैं ऊपर। तो आज कपड़ों में मेरा पूरा इवनिंग चला जाएगा। और मैंने सुबह दोपहर को ही मैंने सारे जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं कबीर के, मेरे और जयेश के। तो उसे मैंने धूप में अच्छी तरह से धूप में लगा लिया था कपड़ों को अच्छी तरह से। तो अभी पहनने के लिए रेडी है। जब भी कपड़े अभी कबीर पहनेगा तो धूप लग जाए तो क्या वो अच्छा आता, उसका जो स्मेल आता वो चला जाता है, जो स्मेल आता है वो। तो साल भर के लिए कपड़े जो पैक करके रख देते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि उसकी स्मेल चली जाती है। तो बस धूप लगाना ज़रूरी होती है, एक दिन के लिए धूप अच्छे से लगवा दो तो कपड़े अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं और पहनने में हमें भी अच्छा लगता है। कपड़े वपड़े थोड़े से ठीक करके देखो, ये सारे जो पीछे कपड़े लगे हैं ना नीचे, सारे जो मेरे सलवार सूट है नए वो सब कपड़े प्रेस करने हैं, ये सब अरेंज करना है। ये गर्म कपड़े हैं मैंने आज निकाल लिए ऊपर से, सूटकेस में थे तो सारे कपड़े निकाल कर धूप लगा कर मैंने रख दिए। और ये बेडशीट लगाना है और कपड़े इस्त्री करना है, कपड़े प्रेस करना है, इस्त्री करना है, कुछ भी हो हम लोग गुजराती है जैसे भी बोलते हैं। आप लोग प्लीज वो क्या बोलते हैं, गलती ही मत निकालना, आप गुजराती है तो गुजराती थोड़ा सा लैंग्वेज आ ही जाता है। तो ये सब कपड़े सो नीचे भी पड़े हैं, औरत की लाइफ ही ऐसी है,
कि जितना भी सही करो, एक आज सही किया सब, तो सुबह उठकर सब वापस वही रिपीट करना है, वही काम होता है। तो सर कबीर गार में अपने छुप कर बैठा है, वो थोड़ा सा उदास है, उसे चॉकलेट देना है, तो पहले मैं उसके लिए चॉकलेट लेकर जाती हूँ। वैसे उसे चिंगम खाना है, तो चिंगम थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, तो मैंने उसके लिए बचा कर रखा है एक चॉकलेट, जो सब गिर गया, बाय गॉड सब गिर गया, लेकिन भाई कबीर के लिए ये रखा है चॉकलेट। कबीर यहाँ पर कार में छुप कर बैठा है, खोल एक चीज देती हूँ, खोल पहले ये खोल, चलो कबीर को नहीं खाने, मैं खा लेती हूँ। चिकन नहीं खा रहा, चॉकलेट खा ले। हाँ कबीर, हाँ थोड़ा कट नाक जब बहुत ना नाकती करना खट्टा हो जाएगा। ओ इतना रोना था। हाँ कबीर, हाँ नहीं खा वाल खोल। ये मेरा बिस्तर मन गया है, मुझे वो चॉकलेट दो। ये ला अगर मेरा बिस्तर मन गया है। बिस्तर बना लिया, वाह रे वाह, चल कभी बिस्तर में अपने काम कर, मैं जाती हूँ। सॉरी तो अभी मैं जो भी आप लोगों के साथ मेरी सलवार सूट शेयर कर रही हूँ, उसका मैं इसलिए आप लोगों के साथ वो मतलब कि मैंने ये सारे जो भी है सलवार सूट वो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं। तो ये वाला थे मैंने वो अमेजोन से मंगवाया था वाइट कलर का, तो मैंने सारे कपड़े प्रेस किए हैं, तो आयरन किए हैं, इस्त्री किया है, जो भी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैंने मेरे कितने सलवार सूट है और कैसे है, कहाँ से लिए है। तो बस ये वाला वाइट वाला अमेजोन से लिया है मैंने, तो वो बहुत अच्छा है और ज़्यादा नहीं पहनती वाइट है, इसलिए ये वाला कुर्ती अहमदाबाद से जो इसलिए कराए है, और ये वाला मैंने मिसो से मंगवाया है, ऊपर कुर्ती है और एक नीचे पैंट है, तो बहुत अच्छा मटेरियल है गाइस। जो भी मिसो से शॉपिंग करना कभी नहीं किया है, सो मैं बोल रही मिसो से शॉपिंग करो, बहुत अच्छे क्लोथेस वगैरह ग्रोसरी सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। और ये वाला अलग है, सो मैं वो बाद में दिखाऊंगी, पहले ये वाला जो है, और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, सलवार सूट नहीं है बट एक पैंट है जो इस तरह से दिख रहा है ना, मैंने दिखा रही हूँ, वो एक पैंट है, क्या सिगार बोल सकते हैं पैंट है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा फेवरेट है ये वाला सूट। और इसका जो मटेरियल है ना गाइस वो अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये वाला परफेक्ट है मेरा साइज एक्सेल, तो बस वो दिखा रही हूँ। तो दो बड़ी साइज में आ गए, सो स्टिचिंग वगैरह करवा लिया है, सो नो प्रॉब्लम, बट ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा है इसका मटेरियल है, क्या बोलूँ। तो ये वाला है कि और मैंने जारे सब अच्छे से सेट करके रख देती हूँ, ताकि मुझे जब भी पहनना हो तो आसानी रहे, ये निकाल लिया और पहन लिया। और ये वाला वाइट कुर्ती है वो बहुत अच्छा है, बट ये 42 साइज का आ गया था, सो स्टिचिंग वगैरह कर लिया, नो प्रॉब्लम, कॉटन की है सो ऑलरेडी फिटिंग हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला एक कुर्ती लिया है मैंने, और नेक्स्ट आते हैं ये वाला जो पूरा एक सेट है, जिसमें कुर्ती आ जाती है, पैंट आ जाता है, और बहुत ही बड़ा एक दुपट्टा है जो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो एक ये वाला है जो मैंने मिसो से ही मंगाया, ये भी परफेक्ट साइज है एक्सेल, तो बस ये भी मैंने और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, तो परफेक्ट साइज है, और जो इसका मटेरियल भी है वो भी परफेक्ट और अच्छी क्वालिटी का है, जो पैसे वसूल है हमारे, कि हम लोग पैसे दे और हमें अच्छा सामान वगैरह ना मिले तो हमें अच्छा नहीं लगता, बट इसका जो प्राइस भी है वो बहुत ही अच्छा है, जो हमारे बजट में आ जाता है और मेरी बजट में आ गया। और ये वाला ग्रीन वाला कुर्ती तो बहुत ही पुराना है, पुराना मतलब कि मैंने मेरी मैरिज एनिवर्सरी में लिया था लास्ट, तो ये उसको भी मैंने प्रेस करके, और ये वाला भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था,
तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पहना है मैंने, कल सोना ने पहना था। सो देखिए अब इसकी बारी आ गई, वाइट वाला कुर्ती है, उसके साथ मैंने लिया है एक अच्छा सा मैचिंग लेंगीज लिया है जिसको मैं उसी के साथ रख दूंगी। और ये है ऊपर का एक कोटी जैसा कुर्ती के ऊपर, मैंने आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट वाले वीडियो में शायद मैंने पहना है या नहीं पहना, बट ये भी बहुत अच्छा है। और वाइट वाली कुर्ती है वो बहुत अच्छा है, उसका मटेरियल अमेजिंग। सो गाइज प्लीज मीशो से ही शॉपिंग कीजिए। सो गाइज बस मेरे इतने ही कुर्तियाँ और मेरे जो पेंट वगैरह इसके साथ मैंने लिया है, और मैंने मीशो से शॉपिंग किया है दिवाली से पहले। सो बहुत अच्छा है मीशो से, कोई भी कपड़े लो, घर का लो, ग्रोसरी लो, कोई भी लो, बहुत अच्छा बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। और कपड़ों का तो कोई मतलब कि कुछ हो ही मत, इतना अच्छा क्वालिटी में सब मिलता है ना, बहुत ही दोनों। तो मीशो में से जब भी शॉपिंग करो बहुत अच्छा क्वालिटी में कपड़े मिलते हैं और रिजनेबल रेंज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास है सूट तो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो चलो जल्दी जल्दी बेडशीट वगैरह लगा देते हैं, कपड़े सही कर देते हैं। कबीर बोल रहा है यहाँ एक मेरा काम नहीं कर दी बेटे का, हवा निकल रही, तू पकड़ में पकड़ा, तू ला में फूटेलू लागे छे बेटा, राजो काणू छे बस इतना अभी होगा, थोड़ा सा हो जाएगा, बस इतना नहीं फोटो मैं बलून ऐसे फुला रही, वो डर के भाग रहा है वो डरपोक है बहुत, कबीर बहुत डरपोक है ना कबीर। सो चलिए गाइस अभी मेरा व्लॉग खत्म करने का टाइम हो गया है, मैंने पूरा मेरा कबर्ड था वो सब सही से अच्छे से अरेंज कर दिया। अभी ये वाले जो कपड़े हैं उसे मैंने, ये वाले जो छोटा वाला कबर्ड है ना, तो रेगुलर जो हमारे कपड़े रहते हैं मैंने उसे वहाँ पर सेट कर से रखती हूँ, जो ये वाले में कबीर के और ये वाले में मेरे। जब से ये हम लोग का जो बीमारी का दौर स्टार्ट हुआ था ना, तब से हम अब ऐसी कम ही यूज़ करते हैं। सो गाइस अभी देखो हमारी ससुर में भी दो फिर से डेंगू का केस हो गया यहाँ पर सामने, दोनों बेटों को, पहले छोटे वाले को हुआ और उसके बाद दूसरे बड़े बेटे को हुआ। तो डेंगू का बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, सो ध्यान रखो, और अगर हो तो दवाई के साथ जो हम लोग वो पपीता बोलते हो ना हिंदी में, तो हाँ वो पपैया हम लोग तो बोलते हैं, उसके जो झाड़ के पत्ते हैं ना उनका ही रस बनाकर जूस बनाकर पियो। दवाई के साथ अगर डेंगू हो तो उससे ज़्यादा ये जो जूस बनाकर पीने से उससे बहुत फ़ायदा होता है, सच्ची बोलो। डॉक्टर भी बोलते ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पपाए का पान जो पत्ते होते हैं उसका जूस बनाकर पियो हर रोज़ पियो। तो मेरा जब डेंगू हुआ था तो कबीर तो नहीं पीता था, तो उसने तो जो दवाई और इंजेक्शन वगैरह उससे ही वो उसे ठीक हुआ है, लेकिन मैंने 10 दिन मैंने एक एक गिलास हर रोज़ पिया है। मेरी मम्मी मुझे, मेरा मिक्सर ख़राब हो गया था, फिर वो मेरा जो खान लहसुन कूटने का जो है ना उसमें बना कर मुझे मेरी मम्मी ने एक एक गिलास हर रोज़ पिलाया है 10 दिन रेगुलर। तो अगर डेंगू हो तो दवाई के साथ, अगर दवाई से भी रिकवरी ना आए, कमज़ोरी आए ज़्यादा, तो आप ये ही जो जूस है वो बना कर पियो, उससे डेफिनेटली रिकवरी आ ही जाती है, सच्चे बोलो। और उससे ही ज़्यादा डेंगू से, क्योंकि वो पत्ते इतने ही गर्म होते हैं ना कि बॉडी में जाने से वो डेंगू के कीटाणु वो ख़त्म कर देते हैं। सो ध्यान रखो ज़्यादा से ज़्यादा घर में भी जो कुछ भी पानी भरा हुआ हो वो घर में भी मत रखो, तो क्योंकि उसमें भी डेंगू का डेंगू मच्छर हो जाते हैं। सो वो घर में भी क्लीन वगैरह रखो, साफ सुथरा रखो और ध्यान रखो। अच्छा अच्छा हेल्दी खाओ, लिक्विड ज़्यादा लो, मौसम भी ऑरेंज जूस ज़्यादा पियो, नारियल पानी ज़्यादा पियो,
वही सबसे ज़्यादा मैंने मैं हम दोनों ने माँ बेटे ने नारियल पानी तो इतना क्या बताऊँ, मेरे घर से हर रोज़ चार चार पांच पांच नारियल फेंकने जाते थे, इतने हम लोगों ने नारियल पानी और मौसम्बी के जूस बना 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 कर हम लोगों मम्मी दीबे और कबीर ने पी पी कर हमारा पूरा जो रियल एनर्जी है वो वापस लेकर आए हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए और हेल्दी रही, ठीक है। तो चलिए कल मिलूंगी नए वाले ब्लॉग में। और गाइस प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप लोगों की प्यारी गीता को सब्सक्राइब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको प्यार दीजिए। मुझे ब्लॉगिंग इतना नहीं आता है, सीख रही हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ सहकार रहेगा तो सीख जाऊँगी और अच्छी एक यूट्यूबर बनूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए बाय, टेक केयर।